एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, क्या आज की क्लास में बात करने में फूड वेब के बारे में, फूड वेब के बारे में बात करना है ना। खाद जाल तो समझ में आ गया था, आपने हमें खाद जाल के बारे में बताया था। अब हमें जो बात करना है वो खाद श्रृंखला के बारे में बात करना है, कि खाद श्रृंखला क्या होता है, फूड वेब क्या होता है। अगर आपको खाद जाल समझ, खाद श्रृंखला, फूड चैन अगर आपको समझ में आ गया, तो इसे समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है फूड चैन, है ना। तो सबसे पहले हमें जानना है कि फूड चैन क्या होता है, और जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो जब मैंने बता दिया तो आपको पहली वीडियो देख लेनी चाहिए, जो बच्चे हमारे इस वीडियो को नहीं देखे हैं, क्योंकि जब तक भाई फूड चैन आपको नहीं समझ में आता, तब तक आपको फूड वेब भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि फूड वेब का ही ग्रुप ही जो होता है वही फूड, सॉरी फूड चैन का ग्रुप ही जो होता है वही फूड वेब कहलाता है। कैसे? देखिए, फूड वेब क्या होता है पहले जान लीजिए। फूड वेब जो होता है बेटा, वो बहुवर्षीय होता है, ठीक है, या बोल सकते हो उसको, ठीक है, कि बहुद्देशीय होता है, ठीक है। ये हमारा जो होता है बेटा, ये बहुद्देशीय होता है। अब कहोगे मैं बहुद्देशीय मतलब क्या? मैंने फूड चैन में बताया था कि ये एक दृश्य होता है, मैंने बताया था कि एक दृश्य होता है, लेकिन यहीं पे, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आपसे कि बहुद्देशीय होता है, ठीक है। बहुद्देशीय का क्या मतलब है? मतलब इसमें बहुत सारे फूड चैन के ग्रुप होते हैं, और ये एक दृश्य होता है, इसमें सिंगल सीधे ही एक चैन होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, ठीक है, आप ले लो घास, ठीक है, या फिर पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को किसने खाया? मैम टिड्डा ने खाया। टिड्डा को किसने खाया? मैम मेढक ने खाया। मेढक को किसने खाया? मैम मेढक को सांप ने खा लिया। और सांप को किसने खाया भाई? सांप को मैम बाज ने खा लिया। तो मैम ये चैन बन गया हमारा, ठीक है, जो किसका है? मैम एक दृशी है और फूड चैन का है। लेकिन मैम बहुदृशी में क्या होता है? बहुदृशी में यही चैन, मैम हमने आपको लास्ट टाइम बताया था, आपको बेटा है क्या बताया था फूड चैन में, पॉइंट कि फूड चैन जो होता है, ठीक है, उसके हम पांच तरीके से बना सकते हैं। मैंने बताया था ना कि फूड चैन को पांच स्तरी से बनाया जा सकता है, पांच स्तर तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक को मैंने ये बना दिया, दूसरा मैंने आपको ये बताया था इसमें, ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया था भाई, ये तो आपका पांचवा वाला हो गया, ये पांच वाला हो गया, ठीक है, इसके बाद नहीं बनेगा, ठीक है, ये पांच स्तरी हो गया। दूसरा स्तरी अगर हम ले लेते हैं, तो मैम हम ले लेते हैं भाई, क्या ले लो भाई, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, दो स्त्री का। तो मैम हम ले रहे हैं यहाँ पे खरगोश, ठीक है, और खरगोश को खाने वाला कौन होगा जरा हमें कमेंट करके बताओ, खरगोश को खाने वाला कौन होगा भाई, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैम खरगोश को जो खाने वाला होगा, ठीक है, वो कौन होगा? लोमड़ी। खरगोश को खाने वाला कौन होगा? लोमड़ी। लोमड़ी को खाने वाला कौन होगा? नाम शेर या बाघ, ठीक है, शेर या बाघ। तो ये आपका कौन सा हो गया बेटा? ये मैम हमारा तीन स्त्री हो गया, तीन स्त्री हो गया, ठीक है। उसके बाद दो स्त्री वाला अगर बनाओगे, तो दो स्त्री वाला तो मैम डायरेक्ट बन जाएगा पौधे, और पौधे को कौन खाता है? मैम हाथी। तो क्या हाथी को शेर खाएगा? नहीं। तो ये आपका दो स्त्री हो गया, ये तीन स्त्री हो गया। अब ये चार स्त्री बनाओगे, तो चार स्त्री बना दो भाई, पौधे, पौधे, ठीक है, पौधे को खाया खरगोश, ठीक है, खरगोश को खाया कौन? लोमड़ी। और लोमड़ी को कौन खाया भाई? बाघ। ये चार स्त्री हो गया, ठीक है, ये चार स्त्री हो गया मैम, ये दो स्त्री, ये तीन स्त्री, ये चार स्त्री और ये पांच स्त्री। इस तरह से आपने पांच स्त्री बना दिया, है ना, इस तरह से आपने पांच स्त्री बना दिया। और यही पांच स्त्री मैम मिलकर पूरा एक दूसरे से जुड़कर क्या बनाएंगे? फूड वेब बनाएंगे। तो मतलब मैम हमें पहले समझना है फूड चैन। तो फूड चैन की क्लास अगर आपको देखनी है, तो इससे पहले वाली जो क्लासेस मैंने आपको बताई है बच्चा, उससे पहले वाली क्लासेस को देख लीजिए, आपको फूड चैन का कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये पांच स्त्री मैंने बनाया, अब आपको देखना ये है कि फूड वेब में मैम कैसे ये पांचों एक दूसरे से जुड़ेंगे, कैसे एक दूसरे से अटैच होंगे, बात यहाँ पे आती है, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्या डिफिनेशन हम देंगे, पहले हम लोग एग्जाम्पल समझ
समझ लेते हैं तब हम लोग डिफिनेशन पे आएंगे। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो डिफिनेशन तो ऑटोमेटिक आ जाएगा बच्चों को, है ना। बिल्कुल मैम, चलिए देखिए। तो देखते को मैं एक बात बताऊँ बच्चा कि मैं इधर जाकर नहीं आ सकती क्योंकि कैमरे का जो स्पेस है वो कम है, तो इसलिए मैं साइड में होकर पढ़ा रही हूँ। पढ़ने से मतलब है, जरूरी नहीं है कि फेस मेरा दिखे, है ना। तो ठीक है ना, समझ रहे हो। चलिए तो ये हमारा हुआ, ठीक है। अब हमें समझना है मैम कैसे। देखिए अब आपको मैं बता रही हूँ, समझिएगा, पांच जो मैंने आपको पांच स्त्री बताया उसी का एक मैं जाल बना रही हूँ। कैसे मैम? बकरी है, क्या है भाई? बकरी है। बकरी को खाने वाला कौन है? मनुष्य। मनुष्य, ठीक। ये आपका एक स्त्री बन गया। दूसरा स्त्री बना लो भाई, तो क्या दूसरा स्त्री बना लो। मैम पौधे हैं, क्या मनुष्य पौधों को नहीं खाता? मैम खाता है, पौधे हैं। पौधे को खाने वाला कौन है? मैम खरगोश है, खरगोश है। और खरगोश को खाने वाला कौन है? मैम खरगोश को खाने वाला लोमड़ी है। कौन है भाई? लोमड़ी है। ये मैम एक जाल बन गया, ठीक। मनुष्य भी पौधों को खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है। अब देखो पौधों को खाने वाला क्या है? मैम पौधों को खाने वाला टिड्डा है। समझ में आ रहा है बच्चा? टिड्डा को खाने वाला कौन है? मैम टिड्डा को खाने वाला मेढक है। मेढक को खाने वाला मैम सांप है। सांप को खाने वाला मैम सांप खाने वाला बाज है, ठीक है। सांप खाने वाला कौन है? सांप खाने वाला बाज है। या मैम आप ले लो मोर है, ठीक है। ये लो मोर है। तो ये मैंने, आप देख रहे हो कि मैंने आपको तीन स्तर बनाया, और इन तीन स्तर में आप ये देख पा रहे हो कि जो मैंने आपको बताया इसका एक क्या बन गया? जाल बन गया। एक दूसरे से, एक दूसरे की क्या है? एक दूसरे के मैम, ठीक है। ये एक दूसरे के लिए भोजन, ठीक है। ये एक दूसरे के लिए भोजन है। तो यही हमारा मैम कंसेप्ट क्या कहलाता है? फूड वेब कहलाता है। अब कहोगे कि मैम डिफिनेशन क्या बताएंगे, डिफिनेशन क्या बताएंगे? तो एक खाद्य आहार, ठीक है, एक खाद्य आहार या एक खाद्य श्रृंखला। मैं किसकी बात कर रही हूँ? श्रृंखला, फूड चैन की। इसलिए बच्चे मैं कह रही हूँ फूड चैन अगर नहीं समझे हो तो नहीं समझ में आएगा फूड वेब। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो फूड वेब आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूरा कंसेप्ट इसका फूड चैन का है फूड वेब को समझने के लिए। तो सबसे पहले फूड चैन समझो, ठीक है। पहले की क्लास को जरूर देखिएगा, रिमाइंड करिएगा, ठीक है। चलिए तो फूड चैन में बता रही हूँ मैं क्या बता रही हूँ, इसकी डिफिनेशन ध्यान समझिएगा। एक खाद्य श्रृंखला, ठीक है, मतलब कि एक खाद्य श्रृंखला मतलब एक फूड चैन, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला मतलब कि एक फूड चैन, ठीक है, फूड चैन जीवधारियों का अन्य खाद्य श्रृंखला से, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला जीवधारियों का, ध्यान समझिएगा बच्चा मैं क्या बता रही हूँ, जीवधारियों का अन्य खाद्य श्रृंखला, अन्य खाद्य श्रृंखला, ठीक है, अन्य खाद्य श्रृंखला, ठीक है, के जीवधारियों से होता है, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला जीवधारियों का अन्य खाद्य श्रृंखला से होता है, या श्रृंखला से एक संबंध होता है, या लिख सकते हो एक संबंध होता है जिसे, ठीक है, या इस प्रकार को अनेक खाद्य श्रृंखला का पारिस्थितिक, क्या कहते हैं, पारिस्थितिक संबंध को हम फूड वेब कहते हैं। कंसेप्ट नहीं समझ में आया? ध्यान समझिएगा मैं क्या बता रही हूँ। एक खाद्य श्रृंखला मतलब क्या? फूड चैन। एक खाद्य श्रृंखला जीवधारियों का अन्य खाद्य श्रृंखला, जैसे वही एक खाद्य श्रृंखला हो गया और ये खाद्य श्रृंखला हो गया, तो कई सारे खाद्य श्रृंखला मिल रहे हैं, तो कई सारे खाद्य श्रृंखला, या ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे, कई सारे खाद्य श्रृंखला जीवधारियों के खाद्य श्रृंखले का एक, ठीक है, जीवधारियों के खाद्य श्रृंखले का एक, जीवधारियों के खाद्य श्रृंखले का एक संबंध होता है, ठीक है। और इसी संबंध को पारिस्थितिक, या फिर इसी संबंध को हम आहार जाल या खाद्य जाल कह सकते हैं, आहार जाल या खाद्य जाल कह सकते हैं। या मैम हम बोल सकते हैं कि अन्य खाद्य श्रृंखला, एक या एक से अधिक खाद्य श्रृंखला, या एक या एक से अधिक खाद्य श्रृंखला जीवधारियों के, ठीक है, जीवधारियों के, अब बोल सकते हो जीवधारियों से होता है। इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखला के पारिस्थितिक संबंध आहार जाल या फूड वेब कहलाते हैं। डिफिनेशन बिना बहुत इजी है, बस समझने का आपको कंसेप्ट होना चाहिए। छोटे से डिफिनेशन की बात करोगे
तो बस मैम आप इतना खड़े होकर बता दीजिए हमें कि एक खास श्रृंखला या मैम ठीक है एक खास श्रृंखला जीवधारियों के अन्य खास श्रृंखला का एक संबंध होता है, इसी संबंध को हम पारिस्थितिक तंत्र का फूड वेब कहते हैं, इसी संबंध को पारिस्थितिक तंत्र का फूड वेब कहते हैं या मैम खाद जाल कहते हैं। ठीक है, छोटे सा डिफिनेशन आपको बताना है, पूरा कंसेप्ट किस पे है मैम इस पे। अब आप ये कहोगे मैम एक खाद श्रृंखला क्या होता है, अगर खाद श्रृंखला क्या होता है ये आपको नहीं पता होगा तो खाद जाल भी नहीं समझ में आएगा, मतलब फूड वेब भी नहीं समझ में आएगा। तो फूड वेब को समझने के लिए सबसे पहले फूड चैन को समझना जरूरी है, और फूड चैन क्या होता है फिलहाल तो मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझा दिया था, इसके मैंने आपको 5 स्त्री बताए थे ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से अच्छे से जानना है आपको तो इस क्लास की पहली वीडियो जरूर देखिएगा, मतलब इससे पहले की क्लासेस जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको मैंने उसमें फूड वेब के बारे में सॉरी फूड चैन के बारे में बताया है, और फूड चैन को अगर समझ में आ रहा है तो फूड वेब को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि फूड चैन का ही एक ग्रुप फूड वेब कहलाता है, समझ में आ रहा है, फूड चैन का ही एक ग्रुप बनाकर या एक चैन दो चैन जुड़कर फूड चैन के दो चैन जुड़कर एक फूड वेब का निर्माण करते हैं आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, तो कहने का सिर्फ इतना ही बचा है तात्पर्य कि आपको ठीक है फूड चैन समझना है फूड वेब के लिए, फूड वेब को समझने के लिए फूड चैन की जरूरत है। ठीक है, तो बस मैं इतना ही कहूंगी कि यही एक आपका कंसेप्ट है फूड वेब का। ठीक है, चलिए तो सबको समझ में आ गया कि मैं एक खाद श्रृंखला जीवधारियों के अन्य खाद श्रृंखला से ठीक है अन्य खाद श्रृंखला का संबंध रहता है, या कह सकते हो कि एक खाद श्रृंखला जीवधारियों के अन्य खाद श्रृंखला से एक संबंध होता है, और इसी संबंध को पारिस्थितिक तंत्र का फूड वेब या खाद जाल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, जो बच्चे कोई भी डाउट हो वो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, कोई भी आपके डाउट्स होंगे तो मुझे कमेंट करिएगा, मेरा समझाने का तरीका एकदम इजी है बेटा, मैं एकदम आपको बेसिक लेवल से समझा रही हूँ, मैं ये नहीं समझ रही कि आप यूपी टेट के स्टूडेंट हो, मैं ये समझ रही हूँ कि आपको एकदम लो लेवल से मैं पढ़ाऊंगी ताकि आपका एक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको तभी कंसेप्ट कमेंट में आएगा, तभी क्वेश्चन आप आंसर दे पाओगे जब इसका कंसेप्ट आप समझे रहोगे। ठीक है, चलिए तो पारिस्थितिक तंत्र में अनेक आहार श्रृंखला होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि पारिस्थितिक तंत्र में ठीक है कैसी श्रृंखला होती है या कितनी श्रृंखला होती है, तो आप ये नहीं बता सकते मैम कितनी होती है, आप बोलोगे कि पारिस्थितिक तंत्र के अंदर मैम अनेक खाद श्रृंखला होती है, अनेक खाद श्रृंखला होती है, जो हमारी पारिस्थितिक तंत्र होती है उसमें मैम अनेक खाद श्रृंखला होती है जो इस प्रकार से बिछी रहती है। ठीक है, एंड जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ क्या होती है संबंधित होती है, जो मैंने आपको एग्जांपल में समझाया, देख रहे हो कि खाद श्रृंखला है, ये सारे क्या आपके खाद श्रृंखला है, हमने बताया आपको खाद श्रृंखला, ये सारे हमारे खाद श्रृंखला है, और जो मैम किससे एक दूसरे से क्या है देख रहे हैं कि एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है, ठीक है, एक दूसरे के साथ संबंध है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें अनेक प्रकार की खाद श्रृंखला होती है, और मैम ठीक है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ क्या होते हैं संबंधित होते हैं, और इन्हीं अनेक खाद श्रृंखला को या इन्हीं एक अनेक खाद श्रृंखला को पारिस्थितिक संबंध ठीक है पारिस्थितिक संबंध का क्या कहते हैं आहार पारिस्थितिक संबंध का क्या कहते हैं आहार जाल कहते हैं या खाद जाल कहते हैं या फूड वेब कहते हैं, है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ। मैंने आपको बताया बेटा कि पारिस्थितिक तंत्र में अनेक खाद श्रृंखला होता है, और यही अनेक खाद श्रृंखला कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, संबंध बनाते हैं या उनका संबंध है, और इन्हीं संबंध को पारिस्थितिक तंत्र का क्या कहलाता है फूड वेब कहलाता है, यही पारिस्थितिक तंत्र का फूड वेब कहलाता है या खाद जाल कहलाता है। कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हुआ बेटा आपका फूड वेब और फूड चैन आपका क्लियर हो गया, और मुझे जहां तक लग रहा है कि किसी भी स्टूडेंट को खाद जाल या खाद श्रृंखला से संबंधित कोई भी डाउट नहीं होने वाले, क्योंकि मैंने आपको एकदम बेसिक बता दिया। ठीक है, ये आपके खाद श्रृंखला हो गए, और मैंने आपको खाद जाल के बारे में बता दिया कल की क्लास में, ठीक है, खाद श्रृंखला के बारे में पढ़ाया, और आज की क्लास में खाद जाल के बारे में पढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में हम पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, और पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में क्या जानोगे, पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में क्या पढ़ाना है ये भी जान लो, ताकि आप पहले से पढ़कर बैठो। पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में मैंने याद करो आपको कई मंडल के बारे में बताया था, है ना, कई
चार बताया था मैंने, और उस चार मंडल में पहला मंडल मैंने बताया था बेटा स्थल मंडल, क्या स्थल मंडल, और इस स्थल मंडल के अंदर बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं। इस स्थल मंडल के अंदर मैम सौर मंडल, कौन कौन से मंडल होते हैं मैम इसके अंदर, मैम सौर मंडल, ठीक है मैम पृथ्वी, ठीक है सौर मंडल मैम पृथ्वी, अक्षांश देशांतर, ठीक है अक्षांश देशांतर, ठीक है उसके अलावा बेटा, ठीक है अब तक चट्टाने, चट्टाने भूकंप, भूकंप ये सभी आते हैं, है ना, ये सभी कहाँ आते हैं मैम, ये सभी हमारे कहाँ पे स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हम लोगों को कल के टॉपिक में हम लोगों को स्थल मंडल के बारे में डीप में जानना है, और स्थल मंडल के बारे में जानने के अलावा हम लोग पहला कौन भी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या सौर मंडल, ठीक है सौर मंडल मतलब क्या, मतलब मैम सोलर सिस्टम, और ये सोलर सिस्टम में भी कई चीजें आती है मैम, सोलर सिस्टम क्या होता है। तो अगर हम सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं बेटा सोलर सिस्टम के बारे में अगर बेटा बात करें तो सोलर सिस्टम में मैम, ठीक है क्या क्या आते हैं मैम सोलर सिस्टम में, अगर हम ले सोलर सिस्टम के बारे में अगर थोड़ा सा बात कर ले, ठीक है तो सबसे पहले मैम क्या सूर्य ग्रह, ठीक है सूर्य ग्रह उपग्रह, उपग्रह उल्का पिंड, ठीक है उल्का पिंड, ठीक है उसके अलावा बेटा, ठीक है उल्का पिंड के अलावा भी एक आता है उल्काशय, या बोल सकते हो क्या मैं उल्काशय, ठीक है उसके अलावा धूमकेतु, क्या बोला नाम धूमकेतु, ठीक है उच्छल तारे क्षुद्र, ठीक है तारे, ठीक है और उसके अलावा मैम बहुत सारी चीजें आती है इसमें, जैसे कि उच्छल धूम क्षुद्र ग्रह, ठीक है तो लिख दे रहा जाए तो क्षुद्र ग्रह, तो ये सभी मिलकर, ठीक है राइटिंग में मत जाना, जब मैं पढ़ाऊंगी ना बेटा तो अच्छे से लिखूंगी ऐसे, ठीक है ऐसे लिखूंगी भाई, क्या लिखूंगी पर्यावरण, ठीक है तो मैं अच्छे से लिख के बताऊंगी, अभी मैं आपको बता रही हूँ कल का टॉपिक ये है आपका, क्योंकि बहुत लंबी मुझे क्लास आज की नहीं रही है, जो मेरा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड बता रही हूँ, ठीक है तो मैम सूर्य ग्रह उपग्रह उल्का पिंड उल्काशय धूमकेतु तारे क्षुद्र ग्रह, ठीक है तो मैम ये सभी से मिलकर क्या होते हैं, किसका निर्माण होता है इस सौर मंडल का निर्माण होता है, इस सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। तो मैम सोलर सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारा क्या होगा सूर्य होगा सन होगा। तो कल की क्लासेस में मैम हम लोग क्या बात करेंगे स्थल मंडल बात करेंगे, और स्थल मंडल में मैम सबसे पहला सौर मंडल के बारे में बात करेंगे, और सौर मंडल में सबसे पहला सूर्य के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैम ये पूरा मिलकर क्या बनाया सोलर सिस्टम बनाया था, सौर मंडल का निर्माण किया था, इसलिए हमें सबसे पहले सूर्य के बारे में कल की क्लास में डिस्कशन करना है। और कल की क्लास में डिस्कशन करने से मैं पहले बोल दूं आपको एक बात बताऊंगी जो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मेरे सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपको सीपी स्मार्ट क्लासेस मतलब सीपी स्मार्ट क्लासेस के एप्लीकेशन पर, ठीक है एप्लीकेशन पर आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, डाउट सेक्शंस मिलेंगे, ठीक है एंड आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने पूरा सिलेबस मैम कंप्लीट कर लिया, लेकिन हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तो फिर आप उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं टॉप कर पाओगे जिस हिसाब से आपको करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से सबसे प्लस पॉइंट आपके लिए ये होता है कि आपको एक आइडिया होता है कि कौन से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं, किस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हालांकि आपको टेस्ट देने से या फिर प्रैक्टिस करने से भी ये आइडिया हो सकता है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ये आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक से ज्यादा एग्जाम में हमारे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और अगर पूछे जो गए हैं तो वो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन पूछे जाए, वैसे ही पूछे जाए, उस क्वेश्चन को किस किस तरह से पूछ सकता है,
ठीक है। तो ये मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगी तो बताऊंगी, मैं आपको सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताऊंगी कैसे कैसे बन सकते हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट में ना चुके। तो जल्दी से आप सीपे स्मार्ट क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए, उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और जल्दी से हमारे साथ सीपे स्मार्ट क्लासेस के ऐप पर हमारे साथ जुड़िए। ओके, थैंक यू।